हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अर्जुन। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आज लेकर आया हूँ KFC चिकन रेसिपी। मैं 3 पीस चिकन लिया हूँ और इस तरह से लंबा लंबा काट कर लिया हूँ, यानी 3 पीस चिकन लेग पीस। तो सबसे पहले इसमें मैं आधा नींबू का रस मिला दूंगा। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाऊंगा। बहुत ही इजी तरीके से बना के दिखाऊंगा मैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर लूंगा मैं और नमक लूंगा स्वाद अनुसार। चिकन को अच्छा से मिक्स कर लूंगा मसाला से। ये देखिए बढ़िया से मिक्स कर लिया हूँ। और इसको चिकन को मैं 5 से 6 घंटा तक मैरिनेट होने दूंगा। आप चाहे तो 2 घंटा ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 से 6 घंटा तक रखना चाहिए, तभी चिकन का अंदर अच्छा से मसाला मेल्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से चिकन में मैं मसाला लगा लिया हूँ। अब मैं इसको 5 से 6 घंटा तक मैरिनेट होने दूंगा। अभी सेकेंड स्टेप में 2 ठो कच्चा अंडा लिया हूँ। मैं 2 ठो अंडा इसमें ले लिया हूँ फोड़ के। अब इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मिलाना, यानी काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा नमक मिलाना है। एक चम्मच जैसे एरारूट पाउडर लूंगा मैं। एक चम्मच जैसे मैदा लूंगा मैं और अच्छा से मिक्स कर लूंगा। घोल को अच्छा से बना लेना है। घोल में मैदा या अरारूट का कोई दाना नहीं रहना चाहिए। इस तरह से घोल को बढ़िया से बना लेना है। अब चलिए थर्ड स्टेप, 2 से 3 चम्मच मैं मैदा लूंगा। 2 चम्मच मैदा लिया हूँ और 1 चम्मच एरारूट पाउडर। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लिया हूँ। बेकिंग पाउडर ज़्यादा नहीं लेना है, 1/2 चम्मच जैसे लिया हूँ मैं। हाफ चम्मच जैसे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर डाल दूंगा और 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दूंगा। फिर इसको अच्छा से मिक्स कर लेना है। इस तरह से अच्छा से, ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो चुका है। थोड़ा सा नमक भी लेंगे इसमें, 1/2 चम्मच जैसा। बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब चलिए, मेरा चिकन जो है बहुत ही कम है, 3 पीस चिकन है, इसीलिए मैं एरारूट पाउडर और मैदा 1.5 चम्मच लिया हूँ।
आपका क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगा तो ये मैदा और अरारोट का क्वांटिटी भी बढ़ाना पड़ेगा। मेरा चिकन जो है मैरिनेट हो चुका है 5 से 6 घंटा। अब चिकन को ये घोल का अंदर डुबोना है इसे। और ये एरारूट और मैदा का जो पाउडर है इसका साथ कोटिंग कर लेना है, बढ़िया से ऐसे कोट कर लेना है। एक बार अच्छा से एक बार ऐसे दबा लेंगे अच्छा से, जिससे ये बढ़िया से कवर हो जाए। उसके बाद हल्का ऐसे झाड़ लेना है। कढ़ाई गर्म हो चुका है, तेल भी गर्म हो चुका है। ज़्यादा हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम में 6 से 7 मिनट तक डीप फ्राई करने से हो जाएगा। बीच बीच में थोड़ा पलट देना है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बन के रेडी है KFC चिकन।